ब्राज़ीलियन जूसु, ये एक ग्राउंड गेम होता है जो कि यहाँ पर हुआ था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो उसमें मैंने यानी कि दो लड़कियों के, एक के हाथ टूटा था, एक पता नहीं फ्रैक्चर हुआ था। हमारे सोसाइटी का मसला ये है कि जो ही घर में लड़की पैदा होती है, हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं इसने क्या बनना है। ये कभी नहीं पूछते कि ये बड़ी हो के क्या बनना चाहती है। लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके पेरेंट्स का सपोर्ट हो। जब उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो लड़कियाँ हर वो काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। तो मुझे भी ये, मुझे पेरेंट्स का और मेरे भाइयों का मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। जिनके साथ स्पारिंग करते हो वो थोड़ा लिहाज करते हैं कि ये लड़की है, ये हमारी बहन है, कैसे मारेंगे। तो बाहर से बड़े भाई की आवाज़ आती है, मारो इन्हें, इसको मारो, लड़की की तरह ट्रीट मत करो। ज़ोर से उनकी आवाज़ आती है और फिर वो मुझे मारने लगते हैं। और मुझे खुद ऐसा लगा कि मुझ में कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह गई है ट्रेनिंग के टाइम, या मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं सीखी है, तो अगली बार उसको सीख के आना है। कोई ऐसी गुंजाइश मत रखना जो तुम्हें अगेन ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हें फेस करनी पड़े।